रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तान, व्यवहार के लिए रोहित की खूब तारीफ होती है, लोग जमकर उन्हें सराहते हैं, पूर्व क्रिकेटर्स, फैंस के साथ प्लेयर्स भी उनकी जमकर तारीफ करते हैं। अब इस लिस्ट में मुंबई और टीम इंडिया से खेलने वाले सरफराज खान का नाम भी शामिल हो गया है। अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाले रोहित ने इसी के बाद T20I को अलविदा कह दिया था। हालांकि वनडे और टेस्ट में वो अभी भी भारत की कप्तानी कर रहे हैं और उनके स्टाइल के दीवाने फैंस की लिस्ट बनाएंगे, तो इसमें रविचंद्रन अश्विन, KL राहुल, मोहम्मद शमी के साथ तमाम यंग प्लेयर्स भी शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस लिस्ट में आए सरफराज लगभग सबसे आगे निकल गए हैं। सरफराज ने रोहित को लगान फिल्म का आमिर खान बता दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक जियो सिनेमा से बात करते हुए सरफराज बोले, वो बहुत अलग हैं, वो आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। रोहित शर्मा एक बड़े भाई जैसे हैं, हमें उनके अंडर खेलने में बहुत मजा आता है। पहले मैंने उन्हें बाहर से देखा था, अब मैं उनके साथ खेलकर ये महसूस कर रहा हूँ। वो हमें जूनियर्स जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, वो सबको बराबर ट्रीट करते हैं। सरफराज ने इसी साल रोहित की कप्तानी में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने फरवरी मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली थी। इस सीरीज में सरफराज ने 50 के एवरेज से 200 रन बनाए। 350 मारने वाले सरफराज का बेस्ट स्कोर 68 रन का रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक बैटिंग करने वाले सरफराज ने रोहित की तारीफ में आगे कहा, लगान मेरी पसंदीदा मूवी है। जिस तरह आमिर खान ने इस मूवी में टीम बनाई थी, मेरी नजरों में रोहित शर्मा इस टीम के लिए आमिर खान है। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद रोहित ने ब्रेक लिया था। इसके बाद वो वनडे सीरीज खेलने श्रीलंका दौरे पर गए थे, जहां भारत को 2-0 से हार मिली। भारतीय टीम कई दशक बाद श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज हारी थी। इसके बाद टीम इंडिया ने एक लंबा ब्रेक लिया। अब वो 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे, तो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा। इस मैच के लिए दोनों टीम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेशी स्पिनर्स को देखते हुए गंभीर चेन्नई में लाल मिट्टी की पिच की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेशी स्पिनर्स को काली मिट्टी की पिच पर खेलने की आदत है। आमतौर पर काली मिट्टी की पिच को स्पिनर्स की मददगार भी माना जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।